नमस्कार, सीबी लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आज रायपुरिया में कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल जी भूरिया यहां पर शामिल हुए थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है और लगातार जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच रहे हैं, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका सीबी लाइव में। धन्यवाद। सर, आज कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, किस तरह से आपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा? सबसे पहले मैं आपके प्रेस साथियों को नमस्कार, और आज हमारे पेटला क्षेत्र के सभी ग्रास रूट तक के कार्यकर्ता आज यहाँ हैं, और सबसे हमने अनुरोध किया है कि अपना अपना क्षेत्र पूरा संभालें और कांग्रेस को ऐतिहासिक वोटों से जिताना है, यह हमने उनको कहा है। इस बात को लेकर कार्यकर्ता में काफ़ी जोश है, तो निश्चित ही यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा मैंने पूरा विश्वास है। सर, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसी तरह से कल भाजपा का पेटलाव क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अब है ही नहीं, कांग्रेस के जो नेता है वो त्रस्त होकर भाजपा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, आज़ादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने कि भाजपा ने? ये उस समय कहाँ थे, उनका अता पता ही नहीं था। वो कांग्रेस पार्टी क्या कांग्रेस को ख़त्म करेंगे? वो कांग्रेस तो आज दुगनी ताकत के साथ खड़ी है, और ये कह रहे कि कांग्रेस से कचरा आ गया है, वो कचरा ले जाके वो संभाले उनको। हमारे आज जो कांग्रेस में नेता कार्यकर्ता मजबूत है, और जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा है, वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, पर कुछ लोगों को डरा धमका के ले गए। वो लोगों ने कहा जिनके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है, कुछ कर्जा है, कुछ है, तुमको जेल भेज देंगे, वो डर डर के गए और वहाँ पर बीजेपी में जाके उनको भर्ती किया है। तो ये डरा धमका के ले जा रहे हैं, मन से कोई नहीं जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। भाजपा जो कांग्रेस से ले गए हैं वो डरा धमका के ले गए हैं, और मन से कोई नहीं जा। कांग्रेस में आज दुगनी ताकत बढ़ी है, वो नहीं कह सकते कांग्रेस ख़त्म हो गई। कांग्रेस कभी ख़त्म होगी, भाजपा ख़त्म हो जाएगी, मगर कांग्रेस ख़त्म नहीं होगी। कांग्रेस तो देश की सेवा के लिए और हमारे दलित शोषित पीड़ित नौजवान भाइयों सबको आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस करेगी। सर, कांग्रेस संविधान बचाने को लेकर लगातार बात कर रही है कि संविधान बचाने को लेकर ये चुनाव है, वहीं जो भाजपा है वो मोदी जी की गारंटी बताकर चुनाव में मैदान में, क्या कहें? मोदी की खुद की गारंटी नहीं है, मोदी क्या गारंटी देगा? मोदी तो गारंटी किसको दे रहे हैं? उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वो अडानी अंबानी टाटा बिड़ला वो उसके हैं, उनको गारंटी दे रहा मोदी। देश को गारंटी नहीं दे रहा, देश के लोगों को गारंटी नहीं दे रहा, गारंटी उद्योगपतियों को दे रहा। तुम कमाओ, मालामाल हो जाओ, और धन हमारे लिए भी रखो ताकि हम चुनाव लड़ते रहें, ये मोदी की गारंटी है। देश के लिए कोई गारंटी नहीं, किसानों के लिए कोई गारंटी नहीं। अगर इतने साल मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं किसानों का कर्जा माफ़ किया? इतने साल 20 साल तक बीजेपी सरकार भोपाल में रही, क्यों नहीं किसानों का कर्जा किया माफ़ किया? इतने साल 20 साल रहे, क्यों नहीं नौजवानों को आत्म नौकरी दी? तो इसकी क्या गारंटी? उनकी कोई गारंटी नहीं, ये तो अडानी अंबानी को गारंटी दे रहा, देश के लोगों की कोई गारंटी नहीं उनको। सर, रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आपके सामने 3 मिनिस्टर है, और ऐसे में आप चुनाव मैदान में लोकसभा जो क्षेत्र है आपका, इधर बीजेपी ने 3 मिनिस्टर को यहाँ पर आपके सामने मैदान में उतार रखा है, मिनिस्टर के घर से ही उनकी जो श्रीमती है वो यहाँ पर चुनाव मैदान में, किस तरह से सर कड़ा मुकाबला रहेगा, आप उन्हें चुनौती के रूप में ले रहे हैं? ऐसा है कि बीजेपी किसी को भी उतारे मैदान में, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो मैदान में उतरे हैं और मतदाता हमारे साथ है, मतदाता हमें मदद करेंगे, हम जीतेंगे, और उनकी जो भावना सपना मतदाताओं का हम पूरा करेंगे। बीजेपी सपने गरीबों को दुख दूर दर कर सकती, न लोगों को इतने साल रहे तो उनका कर्जा माफ़ करना था, लोगों को नौकरी देनी थी, रोजगार देना था, मजदूरी देनी थी, क्या किया? क्या जितना भी जमीन पे काम हमारा, गांव गांव तालाब हमारा, माही नदी देशी डैम हमने बनाया, और बड़े बड़े योजनाएं हमने की, वो कांग्रेस पार्टी ने की, और मोदी ने क्या किया और कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, वो दोनों सामने हैं। उनको पूछो, उनको तुम्हारा एक भी कोई सफलता हुई 20 साल और 10 साल में, वो 5 गांव तो काम तो गिना के बता दो, हम तो सैकड़ों काम गिना के बता सकते हैं। सर, 400 पार का नारा है, कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? सर, 400 पार का नारा है सर भाजपा का, कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? 400 पार का नारा ये बोगस है, मोदी के कहने से कोई मतलब पार होने वाला नहीं है। मोदी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है,
ये जनता समझ रही है। भाषण ही भाषण देने का काम है, काम कुछ नहीं। कांग्रेस देश का जो भला करेंगे, देश का उद्धार तो कांग्रेस पार्टी करेगी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस लोग करेंगे। भाजपा में कोई गारंटी नहीं है, ये खुद की गारंटी लेके बैठे हैं। सुना आपने जिस तरह से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्वक यहाँ पर चुनाव जीतने की बात की गई है, वहीं कई आरोपों के बीच लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। सुशांत ठाकुर सिविल लाइव के लिए पेटलावल।